दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गणेश पुजारी और वेलकम टू माय चैनल कच्ची हिंदी पक्की लॉ। इससे पहला वाला सेशन में मैंने आपको बता दिया सेक्शन नंबर 13(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जहां पे हस्बैंड और वाइफ दोनों को क्या क्या रीजन मिलता है टू अप्लाई फॉर डिवोर्स। लेकिन ये सेशन में मैं फोकस करता हूँ सेक्शन नंबर 13(2), जहां पे फोकस किया गया है ग्राउंड्स अवेलेबल फॉर वाइफ टू अप्लाई फॉर डिवोर्स। वाइफ के पास 4 प्रोविजंस है अंडर सेक्शन नंबर 13(2), मतलब 4 ग्राउंड्स है टू अप्लाई फॉर डिवोर्स। हम एक एक करके इसको समझेंगे। नाउ सेक्शन नंबर 13(2) बोलता है पहला वाला पॉइंट में बाइगमी। अगर एक हस्बैंड दूसरा बीवी होते हुए जिसको डिवोर्स भी नहीं दिया वो जिंदा है और उसको पता है वो जिंदा है, इट्स नॉट अ केस ऑफ उन्होंने नहीं सुना है कि वाइफ जिंदा है नहीं है फॉर लास्ट 7 ईयर्स, ऐसा भी केस नहीं है। इन दैट केस अगर वो दूसरा शादी करता है उसको हम बोलते हैं बाइगमी। बाइगमी इज अ ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड सेक्शन नंबर 494। ये एक पनिशेबल ऑफेंस भी है और ये एक रीजन बन सकता है वाइफ के लिए टू अप्लाई फॉर डिवोर्स। यही हुआ था गीता बाई वर्सेस फाटू का केस में, हस्बैंड वाइफ होते हुए दूसरा शादी करने का कोशिश किया और पहला वाइफ यही रीजन पकड़ते हुए डिवोर्स लिया। तो दैट इज द फर्स्ट ग्राउंड अवेलेबल फॉर वाइफ, दैट इज बाइगमी। द सेकेंड रीजन कैन बी सेक्सुअल ऑफेंसेस। व्हेन आई से सेक्सुअल ऑफेंसेस देर आर 3 वर्ड्स यूज्ड हियर, एक रेप, दूसरा है सोडोमी और तीसरा है बिस्टालिटी। रेप है डेल्ट इन आईपीसी सेक्शन नंबर 375। अगर हस्बैंड ने किसी को रेप करता है वाइफ कैन अप्लाई फॉर डिवोर्स, वो एक रीजन मिल सकता है। और ये सुडोमी मतलब एनल सेक्स और बिस्टालिटी मतलब सेक्स विद एनिमल्स, जो भी सेक्शन नंबर 377 बोलता है अननेचुरल सेक्स। अगर हस्बैंड ने ऐसा कुछ करता है बीवी डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन डाल सकती है, इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स फॉर वाइफ। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वर्गो वर्सेस वर्गो, ब्रूमली वर्सेस ब्रूमली और बोसवर्थ वर्सेस बोसविक। यू कैन रीड दैट केस लॉ, दिस इज अंडर सेक्शन 13(2)(2) सेक्शुअल ऑफेंसेस। और तीसरा रीजन ये है नॉन रिजम्पशन ऑफ मैरिज आफ्टर डिक्री ऑफ मेंटेनेंस। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिया मैंने, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का रेफरेंस दिया और ये प्रोसीडिंग होता है सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी। ये सब प्रोविजन आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सब होते हुए एक साल का बाद भी अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप नहीं होता है, मतलब साथ में नहीं रहते हैं, कोहैबिटेशन नहीं होता है, तो वो एक रीजन बन सकता है वाइफ के लिए टू अप्लाई फॉर डिवोर्स, दैट इज रीजन नंबर 3। ये बी अनुसुईया वर्सेस बी राजैया का केस दिया मैंने, वाइफ टुक डिग्री फॉर सेपरेशन हाउएवर लेटर लिव्ड विद हस्बैंड। वाइफ ने पहले सेपरेशन का डिग्री लिया, बाद में हस्बैंड के साथ रही थी, इसके लिए कोर्ट ने ये डिवोर्स का एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया बिकॉज दे वर लिविंग टुगेदर। ये सब प्रोविजन क्रॉस कर दिया ये लोगों ने, तो डिवोर्स का एप्लीकेशन कैंसिल हुआ। और द लास्ट वन रेपुडिएशन ऑफ मैरिज, मतलब किसी लड़की के शादी 15 साल से पहले हो जाता है, इन दैट केस वो लड़की 18 साल के पहले मतलब 15-18 उसके अंदर अगर वो शादी का रेपुडिएट करना चाहते हैं तो एट द एज ऑफ बिफोर अटेनिंग 18 ईयर्स, मतलब 18 साल होने से पहले कोर्ट को एप्लीकेशन करके वो मैरिज कैंसिल कर सकती है। यहाँ पे सिनारियो याद रखना आप, 15 साल से पहले शादी हुआ और लड़की को मिलता है चांस बिटवीन 15-18 टू रेपुडिएट मैरिज, मतलब कैंसिल द मैरिज। ये एक प्रोविजन औरत को अवेलेबल है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दीज आर द 4 प्रोविजंस अवेलेबल ओनली फॉर वाइफ अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियोज। आपको मैं ये समझता हूँ ये वीडियो से हेल्प हुआ होगा। मेरा हिंदी, मेरा चैनल का नाम है कच्ची हिंदी है मेरा, एंड आई होप आपको थोड़ा कुछ समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।